हे गाइस, इट्स मी सोनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने स्टार्टर पीस बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जाएंगे और वहाँ से काफी सारी नई नई चीजें लेकर के आएंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे केव माइनिंग में डायमंड को माइन करने के लिए। तो चलो गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं जाने वाली हूँ अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उससे पहले मैं पर थोड़ा बहुत फूड को कुक करने वाली हूँ क्योंकि फूड की बहुत ही कमी हो रही है। और सबसे पहले तो मैं अपनी इन्वेंटरी को खाली कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान मेरे पास हो चुका है। और अभी मैं जाने वाली हूँ अपने स्टार्टर बेस में जो कि मैंने पहले बनाया हुआ था। वहाँ पर बहुत सारा आयरन रखा है तो वहाँ पर चलते हैं पहले। फिर घर जाते वक्त मुझे एक हॉर्स मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, जिसको मैं बाद में कभी टेम करूंगी। और यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स है। और यहाँ पर मेरा डॉग था तो इसको भी मैं खाना खिला देती हूँ। पता नहीं मैंने इसको कब से खाना नहीं खिलाया। तो ये लो भाई, तुम भी खाना खा लो। तो चलो, इसने खा लिया। सॉरी, मैंने मारा नहीं, गलती से लग गया। चलो, इसने भी खाना खा लिया। अब चलते हैं अपने घर के अंदर फिलहाल के लिए। और ये रहे मेरे घर के दरवाजे, इतनी अजीब से लगे हुए ना, इनको मैं ऐसे पड़ा रहने देने वाली हूँ। तो चलो, सबसे पहले तो इन्वेंटरी से सामान ले लेते हैं। यहाँ से मैंने फूड बोन वगैरह ले ली है और यहाँ से मैंने आयरन भी ले लिया है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ एक एक्स और एक होए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दूर जाने वाले हैं और हमें नहीं पता कि रास्ते में क्या क्या मिलने वाला है। जो भी मिलेगा हमें उसको अपने घर लेके आने वाली हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ से बेड भी ले लेते हैं, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं अपने इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर सीड कलेक्ट करने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे फूड की जरूरत होती है और मैं इनसे वीट को ग्रो कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं ऐसे करके सीड कलेक्ट करते जाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और फिर हो गया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। तो फिलहाल के लिए सीधा चलते हैं। और यहाँ पर रास्ते में मुझे डॉग्स मिलते हैं जिनको मैं टेम कर लेती हूँ। तो ये देखो, मैं अपने घर से बोन्स लेकर के आई थी और मुझे ये रास्ते में मिल गए, तो उनको मैं टेम करने वाली हूँ। तो इसको भी मैंने टेम कर लिया, मतलब दोनों ही डॉग आ गए। अब मैं इनको खाना खिला देती हूँ और फिर इनका एक प्यारा सा पपी हो जाएगा, अभी देखना। बस ये हो गया, कितना क्यूट है। तो अभी मैं बहुत ही ज्यादा दूर जाने वाली हूँ और मैं डॉगी के साथ नहीं जा सकती। तो ये जो जंगल है ना, ये मेरे घर के बिल्कुल ही पास में है। तो मैं अपने डॉग्स को यहाँ पर छोड़ करके जाने वाली हूँ और इनके पास मैं टॉर्च लगा देती हूँ। अगर मैं बाद में कभी रात में आई ना तो मुझे दूर से ये जगह दिख जाए। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ एक बोट को, क्योंकि जंगल बहुत ही ज्यादा घना है और यहाँ पर चलना भी बहुत ही मुश्किल है। तो मैं बोट बना लेती हूँ और बोट का यूज करके ही हम लोग जाने वाले, क्योंकि बगल में नदी है। तो यहाँ पर मुझे दिखती है ड्रिप स्टोन केव। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इसको भी कलेक्ट करते हुए चला जाए, क्योंकि ये भी तो एक्सप्लोरिंग का एक हिस्सा ही है। तो यहाँ पर जैसे मैं ब्लॉक लगाती हूँ ना, सीधा नीचे खाई में गिर जाती हूँ। लेकिन पानी की वजह से मैं कैसे भी करके बच गई। और फिर यहाँ पर कोने में ही खड़े होकर के मैंने थोड़े से ड्रिप स्टोन कलेक्ट कर ही लिए, मतलब मैं गिरते गिरते बची। तो फिलहाल के लिए चलते यहाँ से बाहर, मेरा बिल्कुल हो गया मूड खराब। अब मैं अंदर नहीं जाने वाली और यहाँ से सीधा चलते हैं बाहर। बोट लेकर घूमते घूमते मुझे मिलते हैं शुगर केन और यहाँ पर मैं इनको जल्दी से कलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे शुगर केन मिल जाते हैं एक बार में, चाहे किस्मत थी मेरी। फिर थोड़ा घूमते घूमते मुझे मिलता है सवाना बायोम और उसके साथ साथ मुझे मिल जाता है जंगल बायोम, जो कि दोनों अगल बगल ही थे। और ये प्लेन्स बायोम थी जहाँ पर मैं थी, मतलब तीन बायोम एक साथ, बहुत ही अच्छी किस्मत थी, वो भी मेरे घर के पास। इसके बाद यहाँ पर से मैं वुड को कलेक्ट करने लग जाती हूँ क्योंकि वुड तोड़ूंगी, फिर मुझे यहाँ से सैपलिंग्स मिलेंगी और सैपलिंग्स को मैं अपने घर ले जाकर के प्लांट करूंगी। फिर मेरे पास हमेशा के लिए जंगल बायोम की कमी नहीं रहेगी, मतलब जंगल वुड की कमी नहीं रहेगी। फिर यहाँ पर मैं वुड का यूज करके तोड़ती हूँ और यहाँ से मुझे केवल दो ही सैपलिंग मिलती है। फिर दूसरे पेड़ को जाके तोड़ती हूँ ना, फाइनली तब जाकर के मेरे पास चार सैपलिंग होती है। मतलब जंगल बायोम का जो ड्रॉप रेट है ना, जंगल बायोम के पेड़ों का बहुत ही कम है। और फिर मुझे मिलते हैं क्यूट से अरमडिलो, जो कि माइनक्राफ्ट 1.21 में नए ऐड हुए हैं। इनको मैं बाद में कभी अपने घर ले जाऊंगी, मेरे घर के पास ही तो है। फिर थोड़ा घूमते घूमते मुझे पूरा सवाना बायोम का विलेज मिल जाता है और ये विलेज बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर बहुत सारी वीट होती है, यहाँ पर इतनी सारी सब्जियां होती है ना, इन सबको मैं अपने घर ले जाने वाली। फिर इस अमीर विलेज में यहाँ पर ऐसा पानी होता है जो कि नीचे बह ही नहीं रहा होता है, मतलब इन लोगों ने पता नहीं कैसे जादू से इस पानी को ऊपर ही टांग रखा था। इसके बाद फिर मैं इस पूरे विलेज को लूटती हूँ। ये विलेज सच में बहुत ही अमीर होता है, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ होती है। इनकी चेस्ट पूरी भरी पड़ी थी एमरल्ड से, न जाने क्या क्या, बहुत ही महंगा महंगा सामान था। फिलहाल के लिए तो मैं इसको लूट लेती हूँ। फिर इस विलेज को लूटने के बाद फाइनली मैं अपने घर जाने लगती हूँ और मुझे रास्ते में दोबारा से जंगल बायो मिलती है। और मैंने बैम्बू को कलेक्ट नहीं किया था तो मैंने जल्दी से बैम्बू को भी कलेक्ट कर लिया। और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुँच जाती हूँ और यहाँ पर मैं अपने डॉग्स को भी साथ में ले आती हूँ और इनको मैं अपने घर के बाहर ही छोड़ देती हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए खेत,
ताकि मेरे पास फूड की कमी ना हो। तो सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंटरी को खाली करने वाली हूँ, क्योंकि इनमें इतना सारा सामान है ना, आप लोग खुद देख लो कि मुझे कितना सारा सामान मिला अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में। जैसे कि ये फ्री की बाल्टी, अब मुझे दोबारा से दूसरी बाल्टी नहीं बनानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं चिकन रख देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी फूड है। तो पहले इस एरिया को पेंट करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली मेरा खेत बनके रेडी हो गया था। और जो जंगल बायोम और सवाना बायोम से मैं ट्री लेकर के आई थी, इनको भी मैंने अगल बगल खेत के लगा दिया था कि ये ग्रो हो जाए और अच्छे भी लगे। तो देखो कि मेरा खेत बनके रेडी हो गया है, पर पम्पकिन मेलन सब लगा दिया है। और अब मैं जाने वाली हूँ माइनिंग करने के लिए। पहले मेरा प्लानिंग थी कि मैं केव माइनिंग करने जाऊंगी, पर केव माइनिंग करना बहुत ही खतरनाक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप माइन करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने लगती हूँ अपने लिए पिकैक्स। और ये जो आयरन आया है ना, वो मेरा स्टार्टर बेस से आता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था अपनी वीडियो में। यहाँ पर मैं टॉर्च भी बना लेती हूँ क्योंकि माइनिंग करने जाना है। और फिर मैं बनाने लगती हूँ अपने घर के जस्ट बगल में माइन। तो चलो बनाते हैं माइन को। मेरी माइन बनके रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, और जिसको बाद में मैं लैडर से रिप्लेस कर दूंगी। फिलहाल के लिए पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं माइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं पानी ले जाना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं पानी लेने आई थी। और अब चलते हैं सीधा माइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत माइन कर रही होती हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रिप माइनिंग कर रही थी, तभी मुझे एक केव मिलती है। और अब बारी थी यहाँ पर मुझे जाके चेक करना कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि हो सकता है कि और बहुत सारे डायमंड्स मुझे मिल जाए। फिर मैं वहाँ पर थोड़ा बहुत माइन करके देखती हूँ, तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता, पर यहाँ पर बहुत सारे ही मॉब्स का साउंड आ रहा होता है। फिर मैं वाटर बकेट का यूज करके नीचे जाती हूँ और टॉर्च लगाने लगती हूँ, तभी मुझे यहाँ पर केवल एक ज़ॉम्बी दिखता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत और चेक करती हूँ, शायद से मुझे और मॉब्स दिखाई दे जाए, पर यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर आपने देखा नीचे स्केलेटन वगैरह थे। और फिर मैं इस ज़ॉम्बी को मारती हूँ कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, यहाँ पर चेक करने नहीं दे रहा था। और फिर यहाँ पर मुझे पानी मिलता है, मैं पानी को कलेक्ट करना चाहती हूँ, पर मुझे नीचे दिखते हैं स्केलेटन्स जो कि मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे होते। पर फिर मैं हिम्मत करके जैसे जाती हूँ ना, यहाँ पर मुझे दिखता है इतने सारे स्केलेटन्स और ज़ॉम्बी मुझ पर अटैक कर देते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मेरी नजर जाती है वहाँ पर स्पॉनर पे, मतलब वहाँ पर शायद स्केलेटन का स्पॉनर था। अगर मैं इनको मारूंगी तो वहाँ पर 10 करोड़ स्केलेटन्स और स्पॉन हो जाएंगे। मेरी प्लानिंग थी कि सबसे पहले जाना उस स्पॉनर को बंद करना, क्योंकि अगर मैंने इनको मारने में टाइम वेस्ट किया ना, तो 50 स्केलेटन्स और स्पॉन हो जाएंगे, फिर हो सकता है कि मैं पर मर जाऊं। फिर मैं हिम्मत करके जाती हूँ स्पॉनर के पास उसको बंद करने के लिए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे स्केलेटन्स ने मुझ पर अटैक कर दिया था, मतलब मेरा बचना इम्पॉसिबल था। फिर मैं वहाँ पर जल्दी से ब्लॉक्स लगा देती हूँ ताकि जितने भी स्केलेटन है ना बाहर, वो अंदर ना आ जाए। और यहाँ पर कैसे भी करके 3 स्केलेटन अंदर आ ही जाते हैं। और यहाँ पर मैं मौका देती तीसरे स्केलेटन को मार देती हूँ, और फिर एक और स्केलेटन मर जाता है, और फिर मैं इसको भी मार के फिनिश कर देती हूँ। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मेरे पर इतने सारे स्केलेटन्स ने अटैक किया हो। फिर मैं ब्लॉक्स लगा देती हूँ और फिर ऊपर जाके देखती हूँ कि यहाँ पर कितने स्केलेटन है। मुझे क्योंकि बाहर जाना था यहाँ से, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी लूट मिल जाती है। फिर मैं ऊपर करके माइन करके देखती हूँ शायद से मैं ऊपर से जा पाऊँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और मैं बाहर निकलने लगती हूँ, लेकिन फिर से मुझे स्केलेटन मिल जाते हैं। और फिर क्या था, मेरी हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। और फिर मैं ऊपर देखती हूँ कि ऊपर पानी और टॉर्च लगी हुई होती है जो कि मैंने लगाई थी। फिर मैं ऊपर जाती हूँ और मुझे समझ में आता है कि तो मेरी माइन है, और ये जस्ट नीचे ही था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है कि मैं इनको मार दूंगी, क्योंकि अब तो मैंने रास्ता बना लिया ना बचने के लिए। फिर मैं नीचे हिम्मत करके जाती हूँ और फिर सभी स्केलेटन को अच्छे से मारती हूँ। आधे स्केलेटन ने तो आपस में लड़ाई करके मर गए, और फिर जो बचे थे ना, मैंने उनको मार के फिनिश कर दिया। जैसे कि नीचे देख सकते हो कि आपस में लड़े जा रहे हैं, और फिर जो बचे थे उनको मैंने मार दिया। और वहाँ पर एक दूर खड़ा स्केलेटन मुझे मार रहा था, पहले तो मुझे दिखाई नहीं देता, जब दिखता है ना उसको पास जाकर के मैं अच्छे से मारती हूँ। और वहाँ पर मुझे पानी भी मिल जाता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर देखो कितने सारे एरोस लगे थे जो कि इन लोगों ने मुझे मारे थे, पर मैं बच गई थी कैसे भी करके। और फिर मैं जाती हूँ केव को एक्सप्लोर करने के लिए,
क्योंकि मैं तो यहाँ पर डायमंड माइन करने के लिए आई थी, और फिर मैं थोड़ा बहुत और जाती हूँ अंदर और वहाँ पर टॉर्च लगा के देखती हूँ और फिर मुझे डायमंड मिल जाते हैं। मतलब इतनी अच्छी किस्मत। लेकिन यहाँ पर इतने सारे मॉब्स होते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं इन सभी को मार देती हूँ, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी आ रहा होता है, इसको भी मार देती हूँ, और फिर मैं लग जाती हूँ टॉर्च लगाना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने टॉर्च नहीं लगाई तो और भी स्पॉन हो जाएंगे। और फिर मैं माइन करती हूँ डायमंड। तो यहाँ पर मैं ये सोच के माइन कर रही थी शायद से मुझे 5 से 6 डायमंड मिल जाए, पर यहाँ पर जब मैं माइन करके देखती हूँ ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमंड मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमंड मिले। फिर थोड़ा बहुत केव के अंदर जाने पर मुझे एक स्केलेटन मिलता है, जिसको मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मिल चुके हैं डायमंड और यहाँ पर से मुझे सिर्फ 1 ही डायमंड मिलता है। और फिर इस स्केलेटन को मार करके मैं ऊपर ब्लॉक्स लगा के जाती हूँ, और फिर वहाँ पर मुझे गोल्ड, आयरन, रेड स्टोन, लैपिस जैसे ओर्स मिलते हैं, जिनको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी तो केव में होते ही है ना। और फिर मैं थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझ पर इतने सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं ना, और मेरी यहाँ पर हेल्थ भी नहीं थी। फिर मैं आग में गिर जाती हूँ, और फिर मैं ब्लॉक्स लगा के खुद को बचा लेती हूँ। और यहाँ पर ज़ॉम्बी ऐसे बेवकूफ थे ना कि ये लोग खुद ही लावा में गिर गिर के मर जाते हैं, क्योंकि ये मुझे मारने आ रहे थे और उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, और ये यहाँ पर ऐसे ही मर जाते हैं। फिर मैं थोड़ा दूर आती हूँ और यहाँ पर शांत खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे केव की आवाज आ रही होती है। हो सकता है कि ऊपर मेरे केव हो, तो मैं यही सोचकर कि ऊपर माइन करने लग जाती हूँ, क्योंकि केव्स में जल्दी और इजीली डायमंड्स मिल जाते हैं, हमें ज्यादा माइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत माइन कर लेती हूँ, और फिर ऊपर हो जाते हैं ब्लॉक्स खत्म, तो मुझे लगता है कि केव आ गई। फिर क्या मैं ब्लॉक्स लगा करके ऊपर चढ़ने लग जाती हूँ, और फिर मुझे जो दिखता है ना, मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। मतलब मुझे एक और स्पॉनर मिल गया, और फिर मुझे पर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि दो स्केलेटन दो ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। और फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि यहाँ पर एक और स्केलेटन स्पॉनर है, मतलब बिल्कुल ही अगल बगल दो दो स्केलेटन स्पॉनर, क्या ही किस्मत थी मेरी। और फिर यहाँ पर मैं दोनों स्केलेटन की लड़ाई लगवा देती हूँ, और फिर ये दोनों आपस में मारने लगते हैं। और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनकी लड़ाई देखूं, इन दोनों को मैं मार के फिनिश कर देती हूं। और फिर इनकी जो चेस्ट होती है ना, यहां से भी मुझे बहुत ही अच्छा सामान मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा सामान है। फिर मैं चेस्ट को तोड़ करके सारा सामान कलेक्ट कर लेती हूं। इसके बाद मैं जाती हूं केव के अंदर, जो कि केव थी, और यहां पर एक ज़ॉम्बी बंदरों की तरह मुझे देख रहा होता है। और फिर मैं जल्दी से पानी लगा देती हूं ताकि मेरे पास ना आ पाए। और फिर मैं जैसे बाहर जाती हूँ ना, एक ज़ॉम्बी मुझे धक्का देता है, मैं बच गई लावा में गिरने से। और फिर मैं अपना कोई पुराना काम करने लगती हूँ, केव में टॉर्चेस लगाना, क्योंकि जितने स्पॉन हुए ना और स्पॉन हो जाए, और यहाँ पर मेरे मुंह पे एक क्रीपर फट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। और फिर मैं जल्दी से टॉर्चेस लगा देती हूँ, और ये केव एकदम छोटी सी होती है, लेकिन ऊपर और भी सारी केव्स होती जहाँ से ज़ॉम्बी वगैरह आते हैं। और फिर मैं इन सभी को जल्दी से मार देती हूँ, क्योंकि वो मेरा टाइम ही वेस्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद मुझे दिखता है एक स्लाइम, जो ये खुद ही लावा में जाकर गिर के मर जाता है, और फिर उसके बच्चे को मैं मार देती हूँ, और उससे कलेक्ट कर लेती हूँ स्लाइम बॉल्स, जो कि बाद में यूज हो जाएगी। इसके बाद घर जाकर के मैं सारा आयरन को स्मेल्टिंग में लगा देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग की बहुत ही जल्दी 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बताना है कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।